बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। जो दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी जल्दी रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई साहब, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना ना, पूरा देखना, स्किप नहीं करना। तो हम आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा ननकाना साहब का। हम सब जा रहे हैं ननकाना साहब, रेहड़ी होकर। मामू जी भी रेहड़ी हो गए हैं, शायरी भी, अबू जी भी, और मैं भी, और इसी भाई बाइक लेकर आएगा। तो हमारी छोटी पलटू भी रेहड़ी है, देखिए इस्माइल। हाय बोलो बोलो। ये लाहौर से आए हैं मामू लोग, मामू जी लाहौर आते ना तो आए हैं। तो हमने कहा चलो मामू जी को गुरुद्वारे दिखा लाएं। लगता मामू ने पहले देखा मामू जी नहीं देखा, किसने देखा है? बचपन में याद था, वो देखा था। तो अब हम जाएंगे वहाँ, तो वहाँ जाके आपको मिलेंगे। तो भाई साहब, ये रोड जाता है ननकाना साहब, ये रोड को बड़ा हम जाएँगे। तो गाँव से आप आ गए यहाँ, तो अब हम इस रोड के ऊपर जाएंगे। तो अब हम आपको इस रोड का सफ़र भी साथ शेयर करेंगे। तो आपने व्लॉग पूरा करना स्किप नहीं करना, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम सब चंद्र पहुँच गए हैं, चंद्रकोट गांव से, चंद्रकोट की नहर पर मौजूद हैं। ये देखें आप, ये भी उतरी है ना, इसका पानी सफ़ेद ही है, प्यास ही नहीं है। तो अब हम वो जगह पर जाते हैं, तो वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं आप अपने वाली नहर। तो भाई साहब, ये दो रोड है, ये देखे, एक ये रोड है, एक वो पल्ली साइड पर रोड है, वो उस तरफ वो पुराना पुल है, अबू जी कह रहे हैं वो बाला, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो पुराना पुल है, ये उन्होंने नया बनाया अब ये वाला। तो सब खड़े होकर नहर को देख रहे हैं। अब वहाँ मैं जाता हूँ है ऊपर, तो वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। ये दो मेन रोड है, और ये ऊपर ही उन्होंने ना शो बनाई हुई है। तो भाई साहब, हम आ गए हैं इस हैड पर, ये चंद्रकोट की हैड है, ये चंद्रकोट है जहाँ मौजूद है अब। ये उन्होंने दरख्त लगाए हैं इस साइड पर। ये वो नहर है जो हमारे गांव से गुजर कर आती है। ये देखें, हम अब ऊपर आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। ये पहले पहुँच गए शारिफ, काम देखें, मज़ा आ रहा बहुत ज़्यादा। ये देखें भाई साहब, स्किल भाई लोग भी आ गए हैं इस तरफ। देखें आप, यहाँ से नीचे से पानी गिर रहा है यहाँ से। ये देखें आप, अंदर चले, चलो नहीं, कोई नहीं डूबा। तो हम में से कोई भी नहीं नहा के आया, तो मैं इनको कहता हूँ नहा ले यहाँ। कोई भी नहीं नहा के आया, सब नहा ले यहाँ। तो हम आ गए दूसरी साइड पर। अब इस तरफ सीढ़ियाँ तो बनाई हैं, लेकिन उन्होंने ना ये रखे हुए छापे, ताकि इस तरह के बंदर, ये बंदर लोग हैं ना, इस तरह के ऊपर ना जाएं, कुछ उल्टे पुल्टे काम ना करें। ये इस तरह के बंदर और इस तरह के बंदर, ये बाप कुछ बोर्ड पर बंदर है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ सीन, ये देखें, ये इस तरह भी जाती है, इस तरफ लगता छोटी हो जाती है, इधर से आगे ना इधर तरफ छोटी हो जाती है। ये देखें, यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, यहाँ से जाता है पानी इस तरफ, इस तरफ मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो काफ़ी दूर है, भाई साहब ट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं।
तो एक यहाँ ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी है कि यहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए हैं। ये देखिए इस तरफ भी दरख्त है, इस तरफ भी दरख्त है, इस तरफ दरख्त दरख्त ही दरख्त बनाए हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह बनाई है। नहीं मोंकी नहीं चढ़ते ऊपर, वो शहरी वो देखो मछली मछलियाँ पकड़े बड़ी हो रहा। वो आगे भी आए, चलो आ जाओ। ये देखे ये साथ पटाखे लेकर आया। ये माचिस क्यों लेकर आयो साथ? पता नहीं ये भी ना फूक क्यों माचिस साथ ले आए, पटाखे भी साथ लेकर आया। चलो ये देखे चले बना रहा है। अब मैं ऊपर आया हूँ जहाँ उन्होंने ये मशीनें वगैरह फिट की हुई हैं जिससे नहर उतरती और चढ़ती है। ये देखें इधर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं वो पुल है जिसके ऊपर हम खड़े थे आगे। ये भाई साहब बकरियां लेकर जा रहे हैं, बकरियों का रेवड़ है। परिंदे काफ़ी ज़्यादा चहचहा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये देखे सिस्टम बनाया उन्होंने। ये पता नहीं क्या सिस्टम, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो भाई साहब कुछ ट्रिक लगाने लगे, पहले बताओ क्या करोगे? पहली भूख ना नहीं बोल, एक भूख ना बजानी है पहली ना। चलो बजाओ। अब बज गई बज गई है। तो अब हम जाने लगे आगे ननकाना साहब, वहाँ जाते हैं। ये रास्ते में स्टे किया है चंद्रकोट स्टे किया था हमने। तो भाई साहब हम आ गए हैं ननकाना साहब शहर में, तो हम गुरुद्वारे के सामने खड़े हैं। तो भाई साहब हम आए हैं, वो कह रहे हैं मोबाइल इधर अलाउ नहीं है, पता नहीं हम डरते हैं कि नहीं हम मोबाइल। बाकी आपको मैं स्टॉल दिखाता हूँ, ये देखिए इधर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, नेम भी लगे हुए हैं। कितनी कितनी कीमत है इसकी? कीमत 150 रुपये। ये चेन है, ये देखिए ये बने हुए हैं, ये छल्ले हैं, ये कितने की है? एक साल गारंटी। हाँ जी एक साल गारंटी। कितने की? 600 का। ठीक है ये 600 का है, तो गारंटी भी कह रहे हैं एक साल की। ये लें, ये देखें ये बच्चों की पायल क्या कहते हैं इसको, ये वो ये भी पड़ी हुई है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। सही है, जिसको ज़रूरत है इधर आ जाए। ननकाना साहब दरवाजे के बाहर ही लगे हैं। ज़्यादा सख्ती से कैमरा अलाउ नहीं था, कोई भी अंदर नहीं लेकर जा रहा था। अगर किसी की सिफारिश थी वो ही लेकर जा रहा था, हमें तो अंदर उन्होंने नहीं जाने दिया मोबाइल लेकर। लेकिन हम अंदर से देख के आए हैं, काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, साफ़ सुथरा माहौल है और काफ़ी खूबसूरत है। आप देखें हम ननकाना साहब के रेलवे स्टेशन पर आए हैं। मैंने कहा चलो यही दिखा दें, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ।
ये देखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के आए हो? स्कूल से भाग के आए हो? जी स्कूल से भाग के आए। ये भाई लोग स्कूल से भाग के आए, यहाँ झगड़ रहे थे एक दूसरे से। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इमारत बनाई हुई है उन लोगों ने। ये दरवाज़ा है, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। शकील भाई लोग वो खड़े हैं। ये बाहर है जहाँ रेलगाड़ी आती है, पटरी है। या इन साहब से पूछता हूँ मज़ा आया कि नहीं अंदर जाके? गुरुद्वारे के अंदर गए जब कैमरा नहीं लेकर गए तो क्या फील किया? ये गुरुद्वारे को कैसा लगा? अच्छा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मोबाइल नहीं जाने दिया उन्होंने। वीडियो बनाना अलाउड नहीं है ना। हाँ इसलिए मैं और शारिक बहुत दुख हुए ना। सही है। हाँ हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सके तो फिर कभी सही जब दाल लग गया हमारा हम तब लेकर जाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया वो अंदर से। अब स्टेशन देखें, अब रेलगाड़ी आएगी तो हमें मक्की ले जाएगी। रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। वो बच्चे जो गड़े थे जो स्कूल से भाग के आए थे उन्हों का बस्ता ये पड़ा हुआ है, ये देखे। मामू जी और इस्माइल वो वाक आ रहे हैं वहाँ। ये चलता भी है कि बंद है? ये क्या लगाया? ये देखें ये पता नहीं क्या है। अब जो यहाँ काम करते हैं उन लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ कोई हमला तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। बाकी आप देखें सब वापस जा रहे हैं, वो भी न्यूज होकर क्योंकि हमें अंदर मोबाइल बहुत कोशिश की लेकर जाए, लेकिन उन्होंने अंदर ले जाने नहीं दिया। काफी ज्यादा लोग थे जो लेकर भी गए थे, उन्होंने सिफारिश डाली सिफारिश की थी लेकिन हो ही नहीं। अगला बंदा मोबाइल बंद कर गया सिफारिश वाला काम बंद होना चाहिए। बाकी आप देखें फिलहाल ननकाना साहब रेलवे स्टेशन। काफ़ी खूबसूरत शहर है ननकाना साहब, अगर फुर्सत मिले तो इसकी सैर करने ज़रूर आएगी है। ननकाना साहब गुरुद्वारा ज़रूर देखिएगा, लेकिन मोबाइल बाहर जमा करा के फिर अंदर जाने देते हैं। तो अब निकालते हैं बाइक तो हम जाते हैं वापस। हम फिर एक मरतबा वही नहर पर आ गए, चंद्रकौड़ वाली नहर पर। वहाँ फिर दोबारा स्टे किया है तो मामू जी और शकील भाई पता नहीं कहाँ या आगे चले गए या हमारे पीछे में कुछ नहीं पता। तो बाकी हम यहाँ से कुछ खाते हैं। क्या खाना? समोसा खाएँ? चलो नांट की खाते हैं। नांट की या समोसा खाते हैं। बाकी हम शकील भाई और मामू जी का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे तो लगता है वो आगे चले गए हैं। नहीं नहीं अभी पीछे पता नहीं, अब थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और कॉल करके देखते हैं वो आ गए हैं पीछे। अब हम यहाँ बैठे हैं, डिसाइड ही नहीं हो रहा क्या लेना, समोसा लेने पकौड़े लेने नान लेने हैं। बस एक बोतल आई है वो भी ब्लू की। इसमें से नहीं मिलते वो फ्री मिंट? नहीं इसमें नहीं मिलते, समोसा से नहीं मिलते। तो बाकी डिसाइड कर रहे हैं क्या लेना है, क्या खाना है। समोसा नान टिक्की हो क्या? नान टिक्की। आपने क्या खाना है? नान टिक्की या पकौड़े लेना? नान टिक्की। इधर इधर ऊपर आपको दिखाते हैं क्या पक रहे हैं नान टिक्की वगैरह। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ
इस्माइल ने तो बोतल पीनी शुरू भी कर दी है, देखें आप। ये दोनों बातें मार रहे, गप्पे मार रहे खुद से, दोनों ने टच घड़ी क्या ले लिया, ये देखें। की गप छी जा रहे तो हमारा ऑर्डर आ गया लगता, हमारा ऑर्डर और लोहे का ऑर्डर। तो अब हम खाते हैं। तो भाई साहब पकौड़े नान चटनी वगैरह आ गई है। तो भाई साहब सड़क के ऊपर खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त माहौल बनाया। होटल तो नहीं है वैसे, सड़क के ऊपर बैठ के खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गाड़ियाँ पास से गुजर रही हैं, देखे सड़क क्या रोड ही है। चलो जवानों हमला करो, शहरी अपनी सीट बना रहा है पहले, चेयर लेकर आएगा। चलो हमला कर दो। तो जिस खाने आ जाओ, हम तो खाने लगे, मेरे को भूख लगी है। तो एक और आ गई है, टिक्कियाँ भी आ गई हैं और सात बोतल। अब हम खाते हैं तो खा कर आपको मिलते हैं। तो अब हमने पेट पूजा कर ली है, सुबह से बहुत भूख लगी थी, पेट पूजा करा दी इन लोगों ने, शील भाई लोगों ने। तो अब कह रहे हैं ये जो नहर है ना, इसके ऊपर ऊपर ही जाना है, ये इस मेन रोड के ऊपर नहीं जाना, इधर से अब सैर करते जाना है, अब इस तरह से जाना है। चलो चलते हैं। नहीं खानी, नहीं बढ़ा दिया, फुल पेट भर गया। पाली करवाइए शील भाई को, चंगी भली 1000 रुपया। और कुछ खाना है? चलो फिर जाने दो, कोई भी कह रहा और कुछ नहीं खाना, अब हम जाते हैं। मैं तो बुद्धि के साथ हूँ, चलो बुद्धि। तो भाई साहब हम जा रहे हैं, इन लोगों का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तीलोड़ शहरी वाली बाइक का। अब देख रहे हैं तानी चाक के करीब, तानी चाक आए हैं तो उस बोतल च पा ले जाता लीटर पेट्रोल, क्या बोल रहे हैं उनका ख़त्म हो गया इतना थल। जा पता करके उस बोतल च तो आप शकील भाई जा रहे हैं यहाँ से कई बोतल ढूंढने, तो फिर हम अपनी बाइक से या शकील वाली बाइक ही बाइक से निकाल कर इनको पेट्रोल देते हैं। आप इधर ही रहो, वो आपने छोड़ के जा रहे हैं? नहीं छोड़ के नहीं जाते, दिखाओ फुल खाली हो गई है, सूख गई है, कुछ नहीं होता, थोड़ा जुड़ जाएगा खाली छोड़। तो भाई साहब यहाँ से पूछा दो आदमियों से, वो कह रहे हैं ये जो गाँव है ना यहाँ से पेट्रोल नहीं मिलता, तो अब क्या आपका होगा? अब हमारा क्या होगा, अब हमारा कालिया होगा, कालिया पैदल नीचे, अब हमारा पैदल जाने का इरादा हो गया। पैदल जाओगे तो बेहोश हो जाओगे, काफ़ी दूर गांव है हमारा, नहीं मिली बोतल, चोली के बाहर। चलो उतारो जैकेट में डाल, 2 लीटर पेट्रोल मिलने के चांस भी नहीं है, तो आप सोच रहे क्या करें, यहाँ बोतल भी नहीं मिल रही जिसके जरिए निकाल के इनको दें। आप कह रहे रूढ़ी के ऊपर जाओ, वहाँ से शायद कोई बोतल मिल जाए। अब सोचो क्या करना है, चलाओ रूढ़ी के ऊपर देखे, चलाओ रूढ़ी के ऊपर बोतल देखते हैं। अगे लगो ओ बोतल पई हुए कितने, ओ वो अंदर पई, मैं लेकर आता हूँ। तो भाई साहब अब मैं नहर के अंदर आया, ये बोतल मिली है एक, ये देखे अब नहर का भी सीन देख लें। अब मैं आया तो आया अंदर, वो सब बाहर खड़े हैं, तो अब बोतल लेकर जाते हैं बाहर, उनको पेट्रोल देते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। अब टिकटॉक बना रहे, पेट्रोल खत्म हुआ तो टिकटॉक बनाने लग पे, वाह ये लो अपनी बोतल पकड़ो निकालो। पेट्रोल खत्म हो गया तो टिकटॉक बनाने शुरू कर दिया। अब तो आप इनको पेट्रोल देते तो फिर हम वापस जाते हैं।
बहुत ज़्यादा सैड हो रही है हमारी, सुबह से घर से निकले हैं बस सैड ही हो रही, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। खत्म हो गई हम वापस आ गए हैं, तो मैं इन लोगों का हाल दिखाता हूँ सुबह से लेकर जो शाम तक फिरते रहे हैं, तो इनका हाल क्या अब ये देखें। सब थक गए हैं, सुभान नहीं तुम्हारे साथ गया क्या, आप नहीं थके? ये देखे इस तरफ अपनी अपनी चारपाई इन्होंने लिया और लेटे हुए हैं। अबू जी भी थक गए, अबू जी थक गए, थक गए टेंकी टेंकी तेल भी खत्म कराए। हम गए थे वो गुरुद्वारे के अंदर, उन्होंने कैमरे ही नहीं जाने दिया, तो मैं भी इनके साथ लेट जाता हूँ, जगह तो नहीं आ रहा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अगले व्लॉग में आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये आपको किस तरह का व्लॉग लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़।